तुम चाहे जितने भी अपने आप को अंडित कह लो, पंडित कह लो, ज्ञानी कह लो, तुम बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं, तुम बिल्कुल भी पंडित नहीं। अगर लोगों को बांटना पंडिताईगिरी है, अगर लोगों को तोड़ना पंडिताईगिरी है, देश के अंदर जातियां बनाना पंडिताईगिरी है, औरतों को ताड़ने का अधिकार बताना पंडिताईगिरी है, तो ऐसी पंडितगिरी पे मैं जूती मारूं। मुझे ना चाहिए ऐसी पंडितगिरी, ना इस देश की किसी भी महिला को ऐसी पंडितगिरी चाहिए। अपनी जेब में रखो ये पंडितगिरी। इससे तो अच्छा ये शूद्र है जिन्होंने अभी तक बिना जाने ही तो शोषण किया, जिस दिन जान जाएंगे ये शोषण से अपने आप ही हट जाएंगे। और देखिए हट रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा तो मैं तो पहली बात तो ये है कि मुंह से कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता। झूठ, एकदम सफेद झूठ है। मुंह से कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता भैया। मुझे, मैंने ढूंढती फिर रही हूँ, आज तक कोई ब्राह्मण मुझे मुंह से पैदा हुआ नहीं मिला। और अगर कोई ब्राह्मण मुझे मुंह से पैदा हुआ मिल जाए तो मेरे से आकर के मिल ले। मैं भी जानना चाहती हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी भैया कि मुंह से डिलीवरी हो रही है। एक जगह से डिलीवरी होती है हर किसी की, इनकी माओ की मुंह से डिलीवरी हुई है। तो ये मूर्ख बनाने वाली झूठी बातें एकदम से। फिर कह रहे हैं कि क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ। भैया यहाँ कौन सा वो है, ये यहाँ कौन सी यूट्रस बनती है? यहाँ बगलों में यूट्रस है क्या कोई? जो यहाँ पे तुम लोग जो है तुम्हारे अंडे तुम्हारे तुम यहाँ पर पैदा हो जाते हो, यहाँ से कैसे निकलते हो? और जांघों से, चलो जांघों से एक बार मान मिले कि प्राइवेट पार्ट वहां से आपने वहां से जन्म ले लिया, लेकिन पैरों में कौन सा भैया वो यूट्रस बनी हुई है? वहां से तुमने पैरों से जन्म दे दिया शूद्रों को। उसके बाद अछूतों को तो तुमने कहीं जगह ही नहीं रखी, तुमने ब्रह्मा के शरीर में कोई अंग ही नहीं रखा जहां से ब्रह्मा से क्या कहते हैं पैदा हुआ हो। अब ये बताओ, ब्रह्मा जब ब्रह्मांड का पूरा सृष्टि का रचयिता था तो उसने मुस्लिम क्यों बनाए? उसने इतनी सारी जातियां क्यों बनाई? उसे अपने सारे बच्चों में भेद क्यों करा? एक साथ रखता, सबको प्यार करता। और जब ये ब्रह्मा हमें जूतों से पैदा करता है और हमें अपनी व्यवस्था से बाहर रखता, तो ऐसे ब्रह्मा को हम भी नहीं मानते, हम भी अपने जूते रखते हैं इसको, हमें भी इसकी जरूरत नहीं है पूजने की। जब जाति पंडितों ने बनाई है, आप ये बयान दे रहे हैं, तो अगला बयान क्यों नहीं दे रहे कि जाति पंडितों ने बनाई है, उस देश के इतने सारे लोगों के साथ ये गलत हुआ है, धोखा हुआ है, उनके साथ ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और इस भ्रष्टाचार की माफी मांगे। आपने क्यों नहीं मांगी मोहन भागवत माफी? आप तो चित्पावन ब्राह्मण है, जो सबसे शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है भारत के अंदर, और चित्पावन ब्राह्मण ही हमेशा आरएसएस का प्रमुख बनता है। क्यों बने आप प्रमुख? आपने क्यों नहीं कहा जाति के नाम पर मुझे योग्य और श्रेष्ठ बना देना, ये मेरी इस देश के बाकी लोगों के साथ भ्रष्टाचार है। अगर ये जातियाँ पंडितों ने बनाई हैं तो माफ़ी मांगनी चाहिए ना आपको। सबसे पहले माफ़ी तो पंडितों के, ब्राह्मणों के, और जितने भी हिंदू हैं इनके जो सरदार हैं मोहन भागवत हैं, ठीक है, इनके सरदार को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। बराबरी के लिए संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करना चाहिए, संविधान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये जो जितने भी पोंगा पंदे ड्रामे कर रहे हैं ना, ये सड़कों पर खड़े होकर के जीप काटने की बात करते हैं, गले काटने की बात करते हैं, और खाल उतारने की बात करते हैं, और कहते हैं कि जाओ इनाम दूंगा इनाम दूंगा घोषणा करते रहते हैं, सबसे पहले इनको जेल में डालने की बात करनी चाहिए। जब आपने ये बोल दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो मोहन भागवत ये कब कबूल करोगे? धर्म ग्रंथ भी पंडितों ने बनाए हैं, ये कब कबूल करोगे? भगवान और देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण भी पंडितों ने ही किया है, यानी कि ब्राह्मणों ने किया है। ये सारे गुना कबूल करो, माफी मांगो, और ये इन दलितों का और ओबीसी का एहसान मानो कि इन लोगों ने आज तक पलटकर वार नहीं किया, आपसे पूछा नहीं, सवाल नहीं किया कि हमारे ऊपर अत्याचार क्यों किया, हम पर गाली क्यों दी, और हम ही तुम्हें क्यों मिले। जिस दिन ये सवाल करने लगेंगे तो सोचो कि ये तुम जहां कहां जाकर के छुपोगे। देखिए जब पंडितों ने जाति बनाई तो खत्म भी पंडित करें ना। जब पाप तुमने किया तो गलती की सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए, उसकी सफाई भी तुम्हें करनी चाहिए। गंदगी तुमने की तो सफाई भी तुम करो, कौन करेगा इस सफाई को? पंडितों ने जाति बनाई है तो पंडितों को ही ये सफाई करनी चाहिए, पंडितों को ही जाति खत्म करनी चाहिए। पंडितों ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा तो पंडितों को ही आगे आकर के धर्म के नाम पर बटो लोगों को एकजुट करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं मोहन भागवत तो हम मानते हैं कि ईमानदारी से बयान दे रहे हो, बनने सारा ढोंगे पाखंड और लोगों को उल्लू बनाने के लिए 2024 में हम लोगों का, हमारे लोगों का, एससी का, ओबीसी का, एसटी का, और माइनॉरिटी का, और लोगों के वोटों को लूटने का, खसोटने का, और उन्हें कब्जा करने का ये एक षड्यंत्र है। अच्छा तो जाति समाज सही चलता तो ऐसा करो ना, फिर तो इसको उल्टा कर दो ना, जातियां ऐसे रहने दो, लेकिन बस उस जगह पे जहां जहां सबसे नीचे वाल्मीकि या सफाई करने वाला, वहां पर ब्राह्मण को रख दो। अब इतने हजारों वर्षों तक आप ऊपर रहे ना, अब ऐसा करो आप नीचे जाओ और ये ऊपर आ जाते हैं, इस तरह से कर लो, और तब देखना फिर देश और भी बढ़िया तरीके से चलेगा। ये भी लगेगा कि हाँ भी आप न्याय चाहते हो, मैंने इतने आराम तक, आप मान लो कोई व्यक्ति अगर दो लोग हैं और दोनों का घर है, एक पूरे क्या कहते हैं बरसों से बरसों घर के बाहर खड़ा है धूप में गर्मी में, और एक घर के अंदर मजे लूट रहा है, तो एक कम से कम कुछ साल आपने लूट लिया, कुछ साल उसको भी कहो कि भाई तू अब अंदर आ जा, हम बाहर चले जाते हैं। तो तुम जाओ ना, ये ब्राह्मण जाए ना, सफाई कर्मचारी, ये मैला सिर पर ढोकर देखे ना, जब उन्होंने मैला सिर पर ढोकर देखा, उनसे मैला ढुवाया, उन्होंने जाति व्यवस्था से देश बढ़िया चला, तो अब कुछ साल तक, सिर्फ 100 साल तक ब्राह्मण सर पर मैला ढोकर दिखा दे, उनसे तो हजारों वर्षों ढुवाया, सिर्फ 100 साल तक खेतों में जाकर के हल चला के फावड़ा चला के खेती हुआ कर दिखा दें, ये दलितों के कपड़े धोकर दिखा दें, ये दलितों के घरों में जाकर के साफ सफाई करके दिखा दें, उनके घरों में, उनके तवेलों में, उनकी भैंसों का गोबर उठाकर दिखा दें, हम मान जाएंगे जाति व्यवस्था बढ़िया होती है। तुम ऐसा करो ना, फिर तुम ही क्यों हो हर जगह पर ऊंचे? तुम ऊंचे पर रह करके जाति व्यवस्था को बढ़िया बता रहे हो, तुम नीचे रह के जाति व्यवस्था को बढ़िया बताओ तो हम भी मान ले भैया बहुत अच्छी।
बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, जाति पंडित नहीं बनाई है और जाति की मलाई भी पंडित नहीं खाई है। ये बिल्कुल अब तक का उन्होंने सबसे सच्चा बयान दिया जब से वो आरएसएस के प्रमुख बने हैं। हम सब उनकी इस बात से सहमत हैं, सारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि जाति पंडित ने बनाई है। सारे वेद, सारे धर्म ग्रंथ जितने भी लिखे हैं सब पंडितों ने लिखे हैं, पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए लिखे हैं और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जातियों का निर्माण किया है। तो पंडित चाहता था कि वो नीचे रहें, नीचे रहेंगे तो आराम से आसानी से उसे दास गुलाम मिलते रहेंगे, काम करने वाले मिलते रहेंगे, सब्जी उगाने वाला फ्री का मिल रहा है तो क्यों नहीं रखेगा कोई नीचे, उसको कपड़े धोने वाला धोबी मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं मैला उठाने वाला वाल्मीकि मिल रहा है, उसके घोड़ी को सफाई करने वाला लीद उठाने वाला, उसके तबेले को साफ करने वाला, उसकी मालिश करने वाले, जब फ्री के नौकर गुलाम मिल रहे हैं तो वो अपने आप को ऊँचा बना करके क्यों नहीं उस व्यवस्था को बनाने के लिए रखेगा। वो जाति इसलिए उसने बनाई था कि इतने सारे लोगों को अपना गुलाम बना लें, अपना सेवक बना लें, वो सेवा करते रहेंगे और ये ऊपर बैठकर मेवा खाते रहेंगे। मोहन भागवत को ये लग रहा है कि देश जैसे जागरूकता की ओर जा रहा है, अभी तक तो अंबेडकर वादियों की संख्या इतनी सारी थी, अब वो और बढ़ गई है, ऊपर से महिलाओं ने भी अब मोर्चा संभाल लिया कि भाई आडम्बर हम अपने घरों से निकालकर फेंकेंगे, हम तुम्हारी कांवड़ नहीं ढोते, हम तुम्हारे काम नहीं करते, तुम्हारे धर्म के सारे किसी भी ग्रंथ को हम नहीं मानते क्योंकि हमें उसमें नीच माना गया है। तो अब उन्हें लग रहा है कि 3% ब्राह्मण कहां जाएगा, इसे तो मैं बाद में समझा ही लेंगे, तो बहुत लालची लोभी है, राजनीति के मामले में एक नंबर का लालची होता है, ब्राह्मण हमेशा सत्ता में रहता है या सत्ता के इर्द गिर्द रहता है, कोनों पर बैठा रहता है। उन्हें लगा कि ब्राह्मण को तो समझा ही लेंगे, पंडित को एक बार थोड़ा सा कह दो और ये लोग खुश हो जाएंगे, खुश होकर कहीं हमारी तरफ आ जाएंगे। यानी कि इस देश के अंदर 57% ओबीसी और 21% एससी और 11% एसटी, इन सबको खुश करने के लिए मोहन भागवत जी ने बयान दे तो दिया, लेकिन ये एक वैचारिक जंग है जो हजारों वर्षों से पुरखों दर पुरखों चली आ रही है, एक वैचारिक ऐसी जंग जो एक वैदिक संस्कृति की है और दूसरी है इस देश की हड़प्पा सभ्यता, जिसको इन्होंने नष्ट किया, बर्बाद किया और उस सभ्यता के साथ इस देश में हमेशा से झगड़ा रहा है। इसी झगड़े में रैदास तैयार हुए, इसी झगड़े में कबीर हुए, इसी में बुद्ध हुए, फूले हुए, अंबेडकर हुए, पेरियार हुए और फिर माननीय कांशीराम साहब हुए, और आज हम सब कई हजार लोग इस देश के अंदर इस काम को करने वाले तैयार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी का भय इनके अंदर था कि भैया ये तो अगर इस तरह से जागरूक होते रहे, इनको अगर धर्म की ये जो जाला हमने फैलाया है अगर इसके बाहर झांकने लगे, इसको खोलने लगे, तोड़ने लगे, तो भैया इस खोल से बाहर निकल आएंगे। जब इस खोल से बाहर निकल आएंगे तो हमारे हाथ में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो हमारा सपना था वो सपना हमारा चूर चूर हो जाएगा। वो सपने को चूर चूर होता देख करके मोहन भागवत जी ने बौखलाहट में बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें इतना ध्यान नहीं रहा कि जिनके लिए बयान दे रहा हूँ ये और भी जागरूक हो चुके हैं, ये तुम्हारे बयान को भी पकड़ेंगे, तुम्हारे शब्दों को भी पकड़ेंगे और तुम्हारे शब्दों के अंदर के अर्थ भी निकालेंगे। यही कारण है कि आज अर्थ निकाले जा रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, जाति किसी भी धर्म में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, भारत के अंदर मिलेगी, क्योंकि भारत में जातियों से सताए हुए लोग जिनको जहां सम्मान मिला वो वहां चले गए। किसी ने कहा कि आप इधर आ जाइए, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लीजिए, आपको ये अछूत मानते, सड़कों पे नहीं चलने देते, हम आपको सम्मान देंगे, आप हमारे पास आइए, वो कुछ इधर चले गए कमजोर लोग। उसके बाद ईसाइयों ने कहा कि आपके बच्चों को हम शिक्षा देंगे, आपको हम स्वास्थ्य देंगे, आपको अच्छा स्कूल देंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। उनको लगा जब ये हमें अपने बगल में भी नहीं बिठाते, उन्होंने कहा कि आप आइए, आपको हम पादरी भी बना देंगे, आपको हम बैठ करके अपने साथ नमाज भी पढ़वा लेंगे, आपको अपने साथ बैठ करके हम क्या कहते हैं रोजा इख्तियार कर लेंगे, खाना खा लेंगे, आपकी थाली में हमारी परात में आप भी बैठ के खा सकते हो, उसी में हमने वाला उठाएंगे, इसी में तुमने वाला उठा सकते हो। ये तो तुम्हें झूठा भी नहीं खाने देते, अपने दीवारों पर भी नहीं छूने देते, अपने घरों में भी नहीं घुसने देते, हम तुम्हें अपने घर में भी बिठा लेंगे, आ जाओ। तो वो ऐसे लोग जो यहां से सताए हुए वहां गए, वो यहां की गई हुई जातियां, आप देखोगे यहां का जो कोली है वो वहां जाकर तेली हो गया, यहां का कुम्हार वहां जाकर बढ़ई हो गया, यहाँ का क्या कहते हैं जो भी धोबी था वहां जाकर के वॉशमैन बन गया, यानी कि जो यहां से गया वो वहीं पर अपनी जाति लेकर चला गया। इंसान ने धर्म भले ही छोड़कर वहां गया लेकिन जाति नहीं छूटी, क्योंकि जाति जो इन्होंने दिमाग में डाली वो जन्म के आधार पर डाली, और यही पाप इन्होंने सबसे बड़ा किया कि इंसानों को जन्म के आधार पर बांट दिया। पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो, दोनों ही रूप में ना तो हमारा इससे कोई फायदा है ना हमारा इससे कोई नुकसान है। हमारे लोग बिल्कुल ध्यान से सुन ले, ये इनके समय समय का षड्यंत्र है, ये घास में छुपे हुए हरे नाग हैं। घास में बैठा हुआ जो हरा सांप होता है ना, दिखाई नहीं देता है और चुपचाप बैठा रहता है, और गिरगिट होता है ना, हरी घास में जाता हरा रंग बदल लेता, पीले पेड़ पर पे जाता पीला रंग बदल लेता, और अब जब वो कत्थई कलर के उस पर बैठा तो कत्थई हो जाता है, उसका यही होता है कलर बदलना। ये गिरगिट हैं, हमारे लोगों को रंग बदल बदल कर लूटना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो, बहुत लंबे समय तक लूट लिया, ठग लिया, अब बस बहुत हो गया है, अब तो तुम्हारी जो है जितनी भी जो पोल थी ना, जो तुमने बहुत लंबे समय तक छुपा के
रखी थी सब खुल रही है, और तुम्हारी कलाई धीरे धीरे और ज्यादा खुलने वाली है। हम जैसे लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, अगर तुम इंसान बन के जियोगे, समानता में जियोगे, अच्छे से जियोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अगर तुम समाज को तोड़ने का सपना देखोगे, हमें जूतों से पैरों से पैदा होने वाला समझोगे, हमें नीच मानोगे, अछूत मानोगे, हमें पीछे धकेलोगे, हमारे हक अधिकार खाओगे, तो सुन लेना कान खोल करके, हम चुप नहीं बैठेंगे और बिल्कुल नहीं बैठेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने भी लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ जाए। देखिए जितने भी ओबीसी लीडर हैं शूद्र, एक बड़ी चीज ये है कि अभी तक वो खुद को शूद्र नहीं मानते, तो उनके दिमाग में डाला हुआ था तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय की वजह से जब नेताओं में क्षत्रिय होने का भाव था तो नीचे की जनता में भी क्षत्रिय होने का भाव था। इस कारण से ओबीसी हमेशा शूद्र, नीचे की जो जातियां थी जिनको तोड़ा गया आर्थिक रूप से, उनका शोषण करती थी। आज जब ये पता चल रहा है यार हम तो खुद शूद्र, हमें तो खुद पैरों से उन्होंने पैदा किया, यार हमें भी नीच माना इन्होंने, हम तो अपने आप को बड़ा तोप का समझते थे, हम तो सोचते थे हम ही तोप हैं इस देश के अंदर, हम ही क्षत्रिय हैं। अब जब उन्हें बताया गया कि अरे यार तुम तो क्षत्रिय नहीं हो, इन्होंने तो क्षत्रियों को भी अपने से नीचे रखा, इन्होंने तो वैश्यों को भी अपने से नीचे रखा, और शूद्रों को तो और भी नीचे रखा, तभी ना पता यार ऊपर की ओर 3 मंजिल बिल्डिंग है जिसमें ये रहते हैं, उसमें कभी हमारे चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं बनाई गई। और आज हमें जब पता चल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और हिसाब कर रहे हैं यार ऊपर की 3 सीढ़ियों में तुम रहते हो, ऊपर की 3 मंजिल में, नीचे 4थी मंजिल पे हमने डाल रखा, और उसके बाद भी आपने कह दिया कि और भी है तुमसे नीचे, उन्हें सताते रहो, उन्हें सताने का आनंद लेते रहो। भैया ये बहुत हो गया, इन पर तो कुछ है ही नहीं, इन्हें सता का क्या, ज्यादा ज्यादा क्या इनको घूंसा मार लेंगे, लात मार लेंगे, इनकी इनकी बहन बेटियों पर नजर रख लेंगे, बाकी हक हकूक तो ऊपर की मंजिलों पर है ना, नीचे है क्या, नीचे तो तहखाना है, नीचे को जाना तो पैर में गड्ढा डालना है। अब इन्हें जब पता चला तो इन्हें दिख गया भैया शूद्र जितने भी हैं ये समझ गए कि शूद्र ही शुद्ध हैं, इस देश के शूद्र ही शुद्ध हैं, और यही शुद्ध लोग इस देश के अंदर हमेशा लड़ा कर रहे हैं, मार्शल कोम रही है, इन्होंने इनका इस्तेमाल किया देश को बचाने के लिए नहीं, अपने सर्वोच्च स्थान को बचाने के लिए, नीचे जो क्रांतिकारी जातियां थी उनको दबाने के लिए, उनको सताने के लिए, उनको पीटने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको जबरन हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए झंडा उठाने को और सड़कों पर खड़ा करने को तैयार किया। लेकिन अब जब जागरूक हो गए तो मोहन भागवत को लगा भाई ये जितने भी हमने विरासत खड़ी की है रेते के ढेर पर झूठ पर, ये तो भर भरा कर गिर जाएगी, कि नीचे की बिल्डिंग में पिलर है ये शूद्र, अगर शूद्र हटा तो पिलर खत्म, अगर वैश्य हटा तो दूसरा पिलर खत्म, और अगर क्षत्रिय हटा तो तीसरा पिलर खत्म, और ये ऊपर से 3 टांगों पे टिका हुआ है और तीनों टांगे इसकी टूट गई तो खत्म हो जाएगा, इसलिए तीनों टांगों को मजबूत करने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो जितने नेताओं को पता चला है उन नेताओं ने कह दिया भी हमें ऊपर का हिसाब दो, नीचे से हमें मतलब नहीं है, नीचे वालों को तो तुमने खुद सताया, उनकी तो तुमने कहीं जगह नहीं रखी घर के अंदर, घर के 4 मंजिल मकान में उन्होंने तुमने बाहर खड़ा किया है, तुमने चलो हमें नीचे तहखाने में रख भी दिया, और अब कह रहे हो कि तहखाने वाले तुम बाहर वालों को मारो, बाहर वालों क्यों मारो, बाहर वालों पे तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ है तो ऊपर है, ऊपर वालों से लड़ेंगे, और अब शूद्र जो है सही दिशा में जा पड़े हैं, ये बहुत बढ़िया बात है।